जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। पत्नी ने पति से कहा कि रसोई का समय होने वाला है, ये लो झोला ले जाओ और बाजार में जाओ, साग सब्जी ले आओ। गया, 8 बजे गया और 12 बजे घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा कि साग सब्जी ले आए? नहीं लाया बेटा। क्यों? कि मैं गया तो था लाने के लिए, पर बीच में एक पुराना दोस्त मिल गया और बातों में बैठा, घंटा 3 बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला। 3-4 घंटा हो गए, पता ही नहीं चला समय का। और जब घड़ी देखी तब पता चला, तब तो रसोई का समय तो चला गया, भोजन का समय चला गया, अब साग सब्जी ले जाने का मतलब क्या होगा? यह क्रिया की विसंगति क्यों होती? आदमी कुछ करने बैठता है और दूसरे काम में, दूसरे चिंतन में इतना चला जाता है कि मूल काम हाथ से छूट जाता है। केवल 2 मिनट के विलंब से रेलगाड़ी ही नहीं छूटती, जीवन की बहुत सारी गाड़ियां छूट जाती है, पीछे रह जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो काम करने बैठा वह तो नहीं होता और बीच में पता नहीं कितने काम हो जाते? ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजना बड़ा कठिन है, सरल तो नहीं है उत्तर देना, पर बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति भी शायद ऐसा नहीं मिलेगा कि जो यह कह सके कि मैं जो सोचकर बैठता हूं वही काम करता हूं, दूसरा नहीं करता। कोई स्वाध्याय करता है, पुस्तक पढ़ता है, कोई ध्यान में बैठता है, कोई रसोई बनाने बैठता है, कोई कपड़ा पहनने बैठता है, इतने में भी मूल बात कहीं रह जाती है और बीच में इतने विकल्प और विचार आ जाते हैं कि मूल बात हाथ से छूट जाती है। समस्या है, और इस समस्या का नाम, एक नाम है चंचलता। मन की इतनी चंचलता है तो एक जगह पर टिकता नहीं, और इस समस्या का एक नाम है कि एक चक्र चल रहा है, चक्राकार गति हो रही। अब इसका समाधान खोजें। दर्शन शास्त्र या तत्व विद्या के आधार पर तो यह है कि धारणा, अनेक धारणाएं, हजारों लाखों असंख्य कह दो धारणाएं मानवीय मस्तिष्क में जमी हुई है।
आजकल स्थूल से सूक्ष्म की ओर सब जा रहा है। एक सीडी लाया और बतलाया कि इसमें 1,00,000 पृष्ठ है। अब इतनी सी सीडी और कहते 1,00,000 पृष्ठ, शायद पुराने लोग तो विश्वास ही नहीं कर सकते। वैज्ञानिक युग है इसलिए आज के लोग विश्वास करने लग गए, नहीं इतनी सी, एक बस इतना सा आकार, उसमें 1,00,000 पन्ने हैं। अक्षर गिने तो 50,00,000 करोड़ हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, कई करोड़ हो जाएंगे। अब इतने में कैसे समा गया, आश्चर्य है। ऐसा लगता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी सीढ़ी बनी हुई है, धारणा की इतनी सीढ़ी बनी हुई है कि हजारों सीढ़ी बने हुए हैं। मस्तिष्क एक भंडार है जिसमें सीढ़ी सीढ़ी, और एक एक सीढ़ी में 1,00,000 पृष्ठ नहीं, करोड़ों करोड़ों पृष्ठ एक एक में अंकित है। अब इतने संस्कार हमारी धारणाएं बनी हुई है। जब फीता घूमता है, निरंतर चक्र चल रहा है और नए नए विचार आते रहते, कभी तो स्वतः आते हैं और कभी हम प्रेरणा के द्वारा लाते हैं। जब प्रेरणा करते हैं तो उस विषय का विचार आने लगता है, और जब कोई प्रेरणा नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसे ही बैठे होते हैं, उस समय नए नए विचार, नए नए विकल्प आते रहते। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आप लोग नींद लेकर उठते हैं, उठते ही कोई ना कोई विचार शुरू हो जाता है। जब तक नींद में है विचार तो आते हैं, पर वे विचार अव्यक्त रहते हैं, आपको पता नहीं लगता। कभी कभी सपना आता है तो पता लगता है, पर विचार का चक्र तो निरंतर चल रहा है। अगर कोई वैज्ञानिक शरीर शास्त्री खोज करे कि नींद के समय भी हमारा स्वर यंत्र सदा सक्रिय रहता है। स्वर यंत्र की सक्रियता का मतलब भाषा चलती रहती है, विचार चलता रहता है, भाषा के बिना विचार नहीं होता, और स्वर यंत्र की सक्रियता के बिना भाषा का उदय नहीं होता, भाषा प्रकट नहीं होती, ये निरंतर चलता रहता है। हमारे शरीर में कुछ स्वाभाविक क्रियाएं निरंतर चलती रहती है, जैसे क्रियाओं के दो प्रकार किए गए हैं कि एक स्वतः होने वाली क्रिया और एक वॉलेंटरी, हमें इच्छा पूर्वक कोई क्रिया शुरू करते हैं तो इच्छा पूर्वक क्रिया करते हैं, वहां तो इसका उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने कभी उठते ही सोचा नहीं कि क्या सोचना है, उठा और कभी पहला शब्द ये आ गया कि आज क्या खाना है, कभी आ गया कि आज क्या करना है, कभी विचार आया कि फला आदमी कहाँ है, पता नहीं। अगर 1,000 आदमी को इकट्ठा किया जाए और उन्हें पूछा जाए कि बताओ उठते ही पहला विचार कौन सा आया, शायद 1,000 विचार मिल जाएंगे। अब यह कि इतने अलग अलग क्यों आए, इतने विचार अलग अलग क्यों आए, इसका कारण अलग अलग फिट की हुई है सीढ़ी, जो जिस समय घूमती है, फीता चलता है, उसको वही विचार पहले आ जाता है। तो हम भीतर के कारण को खोजें तो दार्शनिक दृष्टि से धारणा और संस्कार जमा हुआ है। हमने कोई चीज देखी और उसकी एक धारणा बन, एक इंप्रेशन मस्तिष्क में हो गया, एक धारणा बन गई, एक संस्कार का निर्माण हो गया, और वह संस्कार निरंतर चालू रहता है
वो स्मृतियां होती रहती है। स्मृति का हेतु है संस्कारोद्बोध, संस्कार बोधक प्रभवम, संस्कार जागृत हुआ और स्मृति होगी। स्मृति का मूल आधार संस्कार और धारणा है, ये धारणा का चक्र चल रहा है। तो जिस समय हम एक काम करने बैठते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे 25 मिनट तक स्वाध्याय करना है, अमुक पुस्तक पढ़ना है, कुछ लोग तो 25 मिनट में शायद 2 पृष्ठ पढ़े, कुछ ऐसे हैं कि 2 पंक्ति में ही उलझ जाते हैं। पढ़ने बैठा और बीच में कोई ऐसा विकल्प आया कि पढ़ना तो कहीं रह गया और चिंतन में विचारों में उलझ गया। उलझता नहीं है, कभी कभी उठ के काम करना भी शुरू कर देता है, दूसरा काम शुरू कर देता है, पहले को भूल जाता है। यह एक तो नए काम की स्मृति और पुराने की विस्मृति, ऐसा क्यों होता है? इसकी दार्शनिक व्याख्या तो यह है कि हम बाहर से तो सोचते हैं यह काम करना, और भीतर में जो धारणा है वह अपना प्रभाव डालती है और बाहर के विचार को छुड़वा देती है। हम इस पर शरीर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें या मानस शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो 2 मन माने गए हैं, एक स्थूल मन चेतन मन और एक सूक्ष्म मन अवचेतन मन। स्थूल मन का जो संकल्प होता है, जो चेतन मन है, व्यक्त है, जो संकल्प करता है कि मुझे यह काम करना है, यह काम संकल्प करना चेतन मन का काम है। पर जो अंतःकरण भीतर का मन है, अवचेतन मन, वहां तक हमारा संकल्प पहुंचता नहीं है, इसलिए यहां द्वैत खड़ा हो जाता है, वह वहां पहुंचता ही नहीं है। हमने त्याग कर लिया कि यह काम नहीं करूंगा, संकल्प कर लिया यह नहीं करूंगा, किंतु जब तक वह संकल्प भीतर नहीं चला जाता, अवचेतन मन तक नहीं चला जाता, तब तक वह आपका संकल्प बाहर अधूरा रहेगा और बार बार टूटता रहेगा। इसका कारण कि बदलने की शक्ति है अवचेतन मन में, धारणा भी अवचेतन मन में है। यद्यपि मनोविज्ञानी उसको स्मृति कहा है कि वह अवचेतन मन स्मृति का भंडार है, स्मृति का भंडार कहने का मतलब वह धारणाओं का भंडार है, स्मृतियां तो होती रहती है। भी मानते हैं सारा बिहेवियर, इमोशन आदि आदि जो सारे हैं वे अवचेतन मन में हैं। जब तक हम अवचेतन मन को समझने का प्रयत्न नहीं करते, जब तक हम दर्शन की भाषा में सूक्ष्म चेतना को समझने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक भावक क्रिया नहीं हो सकती। यानी जिस समय जो काम करना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। इतने लोग बैठे हैं, कोई भी कह सके कि मैं सामायिक करता हूँ, समता की साधना करता हूँ और 48 मिनट तक उसी में रहता हूँ, दूसरा कोई विचार नहीं आता, तो मैं मानूंगा बहुत बड़ा साधक है। ऐसे साधकों को खोजना ही मुश्किल है। साधकों की बात छोड़ दें, ऐसे साधु साधियों को समणियों को खोजना भी मुश्किल है जो यह कह सके कि मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मालोचन करता हूँ और प्रतिक्रमण करता हूँ, केवल प्रतिक्रमण में ही रहता हूँ, दूसरा कोई भी विचार बीच में नहीं आता। सौभाग्य की बात है जिसको ये मिले, शायद सबसे बड़ा साधना के क्षेत्र में सबसे बड़ा भाग्यशाली आदमी वह है जो काम शुरू करे उसी में लगा रहे उस समय तक। ऐसा नहीं होता, इसीलिए हर क्रिया का जैन विद्वानों ने विभाग कर दिया, द्रव्य क्रिया और भावक क्रिया, दो विभाग कर दिए।
द्रव्य क्रिया और उसे मैंने प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में कहा मुर्दा क्रिया, यानी निष्प्राण क्रिया, प्राणवान क्रिया नहीं, भावक क्रिया का मतलब प्राणवान क्रिया। एक में नींद है, एक में जागरूकता है, जागरूकता है। आचारण का वैश्युत इतना प्रभावित करने वाला है कि सुत्ता अमुनिनो मुनिनो सया जागरन्ति। हम इसके गहराई में समझने का प्रयत्न करें कि सुत्ता अमुनिनो, जो अज्ञानी है, अमुनि है यानी जानते नहीं है, वे सोते रहते हैं। द्रव्य क्रिया करने वाला सदा सोता रहता है, द्रव्य क्रिया कर रहा है पर सोता रहता है, आंख खुली है, बोलता है, बातचीत कर रहा है तो भी सोया हुआ है। क्यों? कि जो करना चाहिए वह काम नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वह कर रहा है। इसका मतलब कि जो करणीय कार्य की दृष्टि से वह सो रहा है, जागृत कहाँ है? जागृत होता तो वही करता जो काम उसे करना है, वह नहीं करना। गया था शांति वार्ता के लिए और जहां गया उन लोगों ने इतनी आओ भगत की, इतना बढ़िया भोजन बनाया, इतना स्वागत किया कि उसमें उलझ गया और शांति की बात कहीं छूट गई, जो करनी थी बात छूट गई। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बात करने जाते हैं और नहीं, आज तो नहीं हो सका, क्यों? कि अब तो रेल का समय हो गया, फिर कभी करेंगे। ये फिर कभी करेंगे ऐसा क्यों होता है? कब द्रव्य क्रिया होती है, हमारा मस्तिष्क जो करणीय कार्य है उसके प्रति सक्रिय नहीं होता, जागरूक नहीं रहता, और बीच में कोई व्यवधान आता है दूसरे काम में लग जाता है। वह द्रव्य क्रिया, उसको हम कह सकते हैं निष्प्राण क्रिया। और कड़े शब्द में, थोड़े साफ शब्दों में कहें तो मुर्दा क्रिया, जीवित क्रिया नहीं है। आचार्य तुलसी ने एक बहुत सुंदर प्रयोग किया कि जीवित धर्म और जागृत धर्म। जागृत धर्म हमारा, जीवित धर्म हमारा, अच्छा प्रयोग किया। इसका मतलब यदि हम धर्म की आराधना करने बैठे और धर्म में ही रहे तब तो हमारा जीवित धर्म होगा। बैठे तो धर्म की क्रिया करने के लिए और बीच में ऐसा हो गया, प्रसन्न चंद्र बन गया। एक जैन मुनि का प्रसंग आता है, राजा था, मुनि बना, प्रसन्न चंद्र नाम, और पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे मुनि जी, ध्यान में लीन थे, भावक क्रिया में थे, किंतु एक शब्द ऐसा कान में पड़ा कि भावक क्रिया छूट गई, साधना छूट गई, ध्यान का विषय बदल गया और लड़ाई कर, युद्ध करना शुरू कर दिया, समरांगण में चले गए, खड़े खड़े समरांगण में चले गए। सम्राट सैनिक ने देखा कि साधु कितना ध्यान में, रथ से नीचे उतरे सम्राट, वंदना नमस्कार किया, पर वे तो ध्यान में थे, चले गए। भगवान महावीर के पास गया सम्राट और प्रसंग वश पूछा, बनते वह प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो राज्य को छोड़कर मुनि बना है, पेड़ के नीचे खड़ा इतना अच्छा कायोत्सर्ग को ध्यान कर रहा है, बनते मेरी एक जिज्ञासा है, इस समय मरे तो कहाँ जाए? भगवान ने कहा प्रथम नरक। कथा लंबी है, हमें कथा का सार लेना है। एक ओर तो ध्यान की यह मुद्रा है, दूसरी ओर प्रथम नरक। सम्राट को विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि बात समझ में नहीं आ रही है, अविश्वास भी नहीं कर सका कि महावीर कह रहे हैं,
दोनों उलझन पैदा होगी। अविश्वास भी तो नहीं कर सकता, अरे विश्वास भी नहीं हो रहा है। विश्वास आदमी का तब होता है जब कोई बात उसकी बुद्धि में बैठ जाए। जो बुद्धिगम्य बात नहीं होती उस पर विश्वास करना सहसा बड़ा कठिन होता है। तो सम्राट उलझ गया, पूछता गया पूछता गया, और पूछता गया। एक प्रश्न है का, अब मरे तो एक बालक की तेरे जिज्ञासा का प्रश्न बन गया, एक खेल बन गया उसके लिए, ये क्या हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि वह केवल ज्ञानी हो गया, आत्मस्थ हो गया, सर्वज्ञ बन गया। बोला बनते में संदेह तो कैसे करूं आपकी वाणी में, पर विश्वास नहीं हो रहा है कि यह क्या कोई सिनेमा है, कोई जादू है, क्या मिरेकल है कोई। ये तो एक मिनट में तो नरक की बात है, कुछ मिनटों में स्वर्ग की बात और केवल की बात, समझ में नहीं आ रहा। इस सारी कथा वस्तु को या घटना को हम समझ सकते हैं भावक क्रिया और द्रव्य क्रिया। द्रव्य क्रिया में तो वह ध्यान कर रहा था, ध्यान की मुद्रा में खड़ा था, आंखें बंद थी, मुद्रा बता रही थी ये ध्यान में लीन है। और जब ये पता लगा, किसी ने कह दिया, सच्चाई नहीं थी, कि तुम्हारे पुत्र पर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया, इस शब्द में ध्यान चला गया, भावक क्रिया छूट गई, द्रव्य क्रिया में चले गए और वहीं शत्रु राजा से युद्ध करना शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों का द्वंद्व है, बाहर से तो ध्यान की मुद्रा और भीतर में युद्ध की मुद्रा। ऐसा व्यक्तियों के जीवन में होता है कि बाहर का तो एक आकार होता है, भीतर का आकार दूसरा होता है। बाहर में कितनी अच्छी मुद्रा, ध्यान की मुद्रा, भीतर में वह द्वंद्व। भगवान महावीर ने कहा, सम्राट तुमने जब देखा तब वह भाव कायोत्सर्ग में नहीं था, भाव ध्यान नहीं कर रहा था, भावक क्रिया नहीं कर रहा था, द्रव्य क्रिया हो रही थी, वही आसन वही मुद्रा वही सारा कुछ हो रहा था, पर भीतर में वह युद्ध कर रहा था। और जब भान हुआ समझे कि किसका राज्य, कौन बेटा कौन शत्रु, मैं तो साधु बन गया हूं, इसमें आए अब भावक क्रिया में आ गए, भावक क्रिया में आए तो बाहर की मुद्रा भी ध्यान की और भीतर की मुद्रा भी ध्यान की बन गई, दोनों में संगति हुई, भावक क्रिया आई और उनका कैवल्य हो गया, कैवल्य प्रकट हो गया। कितनी महत्वपूर्ण एक घटना है हमारे सामने भावक क्रिया को समझने के लिए, कि हम जो भी काम करते हैं चिंतन करें कि प्राणवान क्रिया कितनी करते हैं और निष्प्राण क्रिया कितनी करते हैं। हमें फल नहीं मिलता, इतने दिनों तक मंत्र का जप किया कोई फल नहीं मिला, इतने दिनों तक सामायिक किया कोई फल नहीं मिला, इतने दिनों तक उपवास किया कोई फल नहीं मिला। इस प्रश्न से पहले उन्हें सोचना है कि मैंने जो किया द्रव्य क्रिया की या भावक क्रिया। अगर आप द्रव्य क्रिया करें तो आपको वह फल नहीं मिलेगा, रोटी और व्यंजन की जगह एक रोटी का आकार ही आपके हाथ में आ जाए तो आपकी भूख नहीं बुझेगी। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।